हेलो दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक पिकअप ट्रक ले आए हैं, इस बार टाटा की ओर से इंट्रा V30। इस वीडियो में आपको इस गाड़ी के मेन फीचर्स और गाड़ी खरीदने वालों के लिए जो ग्राहक हैं उनकी जो क्वेरीज होती हैं कि अगर हम ये गाड़ी लेते हैं तो इसकी ऑन रोड कीमत कितनी पड़ेगी, गाड़ी की माइलेज क्या है, कितना हमें डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना किस्त आएगी गाड़ी की, महीने की किस्त, EMI जिसे आप कहते हैं, तो इस तरीके के तमाम सवालों के हम जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इंट्रा V30 जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फ्रंट फेशिया के साथ, केबिन इंटीरियर्स भी उतने ही खूबसूरत हैं। ये 1300 किलो पेलोड के अंदर गाड़ी कंपनी ने लॉन्च की है, 1300 किलो पासिंग जिसे आप बोलते हैं। और बेसिकली जो मैक्सी ट्रक वाला सेगमेंट था, जो महिंद्रा की बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी आती है, छोटी पिकअप जिसे आप बोलते हैं, वो 1200 किलो पेलोड के अंदर आती है। ये जो गाड़ी लॉन्च की है ये बेसिकली महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस के खिलाफ ही कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है। और इसका कौन कौन कॉम्पिटिटर है, अशोक लेलैंड का दोस्त आपने सुना होगा, दोस्त स्ट्रॉन्ग, वो गाड़ी 1250 किलो पेलोड में आती है, उसके खिलाफ भी इंट्रा V30 मुकाबला करती है। तो इस श्रेणी में मोटा मोटा तीन गाड़ियां हैं, महिंद्रा की ओर से बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, छोटी पिकअप, अशोक लेलैंड दोस्त स्ट्रॉन्ग एवं इंट्रा V30। तीनों में सामने की ओर सादा पट्टा कमानी है, रिजिड सस्पेंशन है। अच्छी बात यह है कि इंट्रा V30 के अंदर आपको इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा 1300 किलो का पेलोड मिल जाता है, जिससे आपकी कमाने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी कमाई बढ़ जाती है। पीछे की ओर जब डाले की भी बात करेंगे तो इस सेगमेंट के मार्केट लीडर बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस के मुकाबले इसमें आधा फीट लंबा डाला है, इसमें आपको 8.8 फीट का डाला मिल जाएगा। 14 इंच के रेडियल टायर्स हैं, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm का। और इसकी खासियत यह है कि ये 2-बॉक्स डिजाइन में दोस्तों गाड़ी बनी है। आप देखेंगे कि केबिन आगे से बिल्कुल फ्लैट है, जैसा कि LPT डिजाइन में आप देख पाते हैं। और जो इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, उसमें आप देखेंगे कि सामने की ओर बोनट निकला होता है। तो इसकी खासियत ये हो सकती है कि जो आपको लोडिंग अनलोडिंग तंग गलियों में करनी है, सकड़ी गलियों में करनी है, टाइट ट्रैफिक है, वहां पे आप इसको बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं, शॉर्ट व्हील बेस के कारण और 2-बॉक्स डिजाइन के कारण। अब बात करते हैं स्पेशल ऑफर की, कि इस वीडियो को देख के trucksbuses.com के थ्रू अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। दोस्तों, इस खूबसूरत गाड़ी की डेमो एवं टेस्ट ड्राइव बुक करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये आप गाड़ी खरीदते हैं तो इस गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस पे आपको हमारी ओर से मिलेगा ₹1000 का अतिरिक्त डिस्काउंट। यही नहीं, अब आप घर बैठे गाड़ी बुक भी कर सकते हैं, कोई भी कमर्शियल व्हीकल बुक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टाटा इंट्रा V30 बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कीजिए, आपको बुक नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप अपना नाम नंबर डालिए और 999 के पेमेंट के साथ आपकी गाड़ी बुक हो जाती है। यही नहीं, जब आप ये बुकिंग करते हैं तो हमारी ओर से आपको ये म्यूजिक सिस्टम, स्टीरियो, टेप रिकॉर्डर जिसे आप बोलते हैं, ये मिलता है बिल्कुल मुफ्त। इसमें FM, USB, AUX जैसी सारी तरह की कनेक्टिविटीज हैं। साथ ही साथ अगर आप NCR के सराउंडिंग में हैं तो आप हमारे गुड़गांव ऑफिस आके ये कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देश के और किसी कोने में हैं तो भी आप ये मंगवा सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस उस केस में आपको बियर करना होगा। अगर आपको स्टीरियो नहीं चाहिए तो भी निराश ना होइए, आपको गाड़ी के इंश्योरेंस के ऊपर ₹3000 का अतिरिक्त डिस्काउंट हमारी ओर से मिलेगा। तो कैसा लगा यह ऑफर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ड्राइव लाइन की ओर नजर डालेंगे तो इसमें 4 सिलेंडर का इंजन लगा है, 1.5 लीटर, बहुत बेहतरीन माइलेज ये देता है। तो लगभग आप इस इंट्रा V30 से 16-18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये डीजल में अवेलेबल है, CNG में अवेलेबल नहीं है, लेकिन माइलेज कुल मिला के इसकी बहुत अच्छी है और लोड बॉडी भी लंबी है। तो कुल मिला के जो आपको चाहिए होता है, या तो गाड़ी की माइलेज या डाला या पेलोड, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्लास लीडिंग है। अब बात करते हैं गाड़ी की कीमत की, एक्स शोरूम कीमत उसकी किस्त की। तो इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है दोस्तों 7,71,000 रुपये। लगभग हम हरियाणा में हैं तो यहाँ पे आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन वगैरह के ऊपर आपको मोटा मोटा 20,000 का खर्चा आ जाता है, इंश्योरेंस पे अनदर 28,000, 1,500-2,000 रुपये TRC का खर्चा हो जाता है। मिला के गाड़ी आपको 8.25 लाख रुपये की ऑन रोड पड़ती है। गाड़ी पे डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट वगैरह काट के और ऑन रोड ये गाड़ी आपको 8 लाख रुपये में पड़ेगी। इस गाड़ी पे आपको जो आज की डेट में स्कीम्स चल रही हैं, 3 साल का आमतौर पे कस्टमर्स लोन करवाते हैं, वैसे 4 साल, 5 साल और 6 साल की भी लोन की सुविधा इस पे उपलब्ध है। अच्छे कस्टमर्स के लिए, अच्छी सिविल प्रोफाइल, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वालों के लिए
90-95% तक भी इस पे लोन हो जाता है। आप 40-42 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी का लोन करवाते हैं, तो इस सेगमेंट में 3 साल का जनरली लोन कर कस्टमर करवाते हैं, जिसपे आपकी किस्त आएगी लगभग 23-24 हज़ार रुपये। अगर आप 4 साल का लोन करवाते हैं तो लगभग किस्त आपकी 19-19 हज़ार आएगी। अगर 5 साल का लोन करवाते हैं तो लगभग 16 हज़ार रुपये आपकी किस्त आएगी। और 6 साल का भी एक्सक्लूसिव टाटा मोटर फाइनेंस का स्कीम आया हुआ है, उसके हिसाब से आपको लगभग 14-14 हज़ार रुपये की इसकी मासिक किस्त आएगी, ईएमआई आएगी, जो कि आपको हर महीने चुकानी होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली गाड़ी कौन सी देखना पसंद करेंगे ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।